हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास टेंथ का बायोलॉजी सेक्शन से चैप्टर 2 नियंत्र एवं समन्वय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो दो तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं उसके मध्य जो खाली स्थान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के खाली मध्य स्थान को कहते हैं सिनेप्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मेरुध्वज से निकलने वाली मेल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। जो मेरुध्वज होती है उसमें मेल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मानव मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम तक। उसका जो सामान्य भार होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। बाकी जो मानव मस्तिष्क होता है उसका सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सबसे विकसित भाग हो है सेरिब्रम। इसके बाद चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मैंडुला ऑब्लॉन्गेटा नियंत्रित करता है। तो ये किसको नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिच्छित क्रियाओं को। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये जो है मनुष्य के मस्तिष्क का ये भाग ताप को नियंत्रित करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हार्मोन जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बीज रहित फलन को प्रोत्साहन करने वाला पादप हार्मोन है। बीज रहित फलों को प्रोत्साहन अर्थात कि मतलब कि जो बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक हार्मोन है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। बीज रहित पौधों के फलन में जिब्रेलिन हार्मोन सहायक होता है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑक्सीटोनिन का स्त्रावण कहाँ से होता है। जो ऑक्सीटोनिन है इसका स्त्रावण कहाँ से होता है। तो इसका स्त्रावण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब कि पीयूष ग्रंथि से। इसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग मतलब कि शुगर की जो बीमारी होती है उसे ही मधुमेह रोग कहते हैं। तो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। और आपको इसी से रिलेटेड और वीडियो चाहिए हो तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने क्लास टेंथ की बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर जो आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।